सैक है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लेले जी, ये जो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला चेन्नई में निकाला गया है, इस पर आपकी रिएक्शन चाहूंगी। आई हैव नॉट इन एग्रीमेंट विद एवरीथिंग। फॉर द फर्स्ट थिंग, मिस्टर श्रीनिवासन, अनलेस ही रिजाइन्स, मिस्टर दानिया कैन नॉट टेक ओवर। दानिया इज माय पर्सनल फ्रेंड एंड माय एवरीथिंग। इवन देन, अकॉर्डिंग टू मी, कॉन्स्टिट्यूशनली इट्स टोटली रॉन्ग, बिकॉज दिस डिसीजन इज टू बी टेकन बाय द जनरल बॉडी एंड नॉट बाय दिस हेस्टिली अरेंज वर्किंग कमेटी। लेले साहब, आपसे आग्रह है, हिंदी में बोले। लेले साहब हिंदी में बोले, आपसे आग्रह है। अच्छा, ये जो मीटिंग है, ये वर्किंग कमेटी का मीटिंग है, उनको कोई लीगैलिटी नहीं है कि टू अपॉइंट ऑल दिस। दिस इज द जॉब ऑफ द जनरल बॉडी। तो ये आपके मुताबिक कहीं और से रिमोट कंट्रोल हुआ है ये सब? वही भाई है, जो कोई कंट्रोल है, मगर सब गलत है। ये हो ही नहीं सकता। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली, बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मुताबिक ऐसा संभव ही नहीं है कि जब तक एक अध्यक्ष इस्तीफा ना दे, दूसरे अध्यक्ष अंतरिम तौर पर उसको चुन लिया जाए। करेक्ट करेक्ट। तो लेले साहब, क्या ये लगता है कि अपने आप में क्रिकेट के तमाम दीवाने, क्रिकेट को धर्म और ईमान मानने वाले तमाम प्रशंसकों के लिए ये धोखा है? धोखा ही है। और लेले जी, ये कहा जा रहा है कि रोजमर्रा का जो काम होगा वो देखेंगे, फिलहाल जब तक आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच चल रही है वो डालमिया जी देखेंगे, लेकिन अध्यक्ष बने रहेंगे श्रीनिवासन जी। तो ऐसे में कैसे ये उम्मीद रखें कि जो जांच चल रही है वो प्रभावित नहीं होगी? जब तक रिजाइन करते नहीं है तो डालमिया कैसे आ गया? व्हाट इज श्रीनिवासन? हाउ कैन देयर बी टू प्रेसिडेंट्स इन द बोर्ड एट अ टाइम? तो आपका ये मानना है कि अभूतपूर्व है, ऐसा कभी हुआ नहीं, एक तरह से पलटने की कोशिश की गई है पूरे रूल्स को? जो सब चल रहा है वो सब गलत है। वर्किंग कमेटी को किसी को रखने का अधिकार नहीं है, जनरल बॉडी को यह अधिकार है। चलिए लेले साहब, तमाम विरोधों के बावजूद आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जब बैठक होती है ऐसा ही बोलना पड़ेगा? चलिए लेले जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम जाएंगे अपने संवाददाताओं के पास, चेन्नई में अभिषेक के पास, दिल्ली में राकेश के पास। मनीष हमारे साथ बने रहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैठक में क्या सूरत हाल बने कि ये फॉर्मूला निकलकर बाहर आया। इन सब पर चर्चा करेंगे इन तमाम लोगों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।